Energy Live, a platform to sharing your thoughts. हेलो फ्रेंड्स, टीम सिटी लाइफ पर आज सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और जयपुर से मैं मुखर कविता लिए चलती हूँ आपको शब्द संसार में। लेकिन शब्द संसार में जाने से पहले और आज के मेहमानों से लाने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। बात यह है कि हम सब जानते हैं दुनिया जो जिस महामारी से गुजर रही है कि संसार में आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा लॉकडाउन हो गया और हम सब अपनी अपनी चार दीवारी में कैद हो गए। बात मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की थी तो टीम सिटी लाइव ने एक कार्यक्रम बनाया और उन्होंने सोचा कि सृजनात्मक लोगों को आपस में मिलाया जाए, घर के चार दीवारी से बाहर इस आभासीय स्टूडियो में लाया जाए। तो हम न सिर्फ सृजनात्मक लोगों को आपस में मिलाए बल्कि हम श्रोताओं से भी उनको रूबरू कराए। तो मैंने ये देखा और आप सबने ही जाना कि श्रोताओं ने इसे बहुत पसंद किया और एक सराहनीय प्रयास रहा हमारा। विश्व जी जो हमारे टीम सिटी लाइव के टेक्नीशियन है, उन्होंने बताया कि हम अब तक कम से कम 45 कलमकारों को आपसे मिलवा चुके हैं और हमारा जो TRP है, हमारा जो व्यूज है, 60,000 को क्रॉस कर चुका है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमने डिजाइन किया था 5 एपिसोड को, मगर क्योंकि हमारी हाई डिमांड थी, हमारे पास फोन आते गए, हमारी लिस्ट, हमारी फेहरिस्त बड़ी होती गई और हमारे कार्यक्रम एक के बाद एक आते गए। आज हम ये कार्यक्रम आपके सामने अराउंड 14-15 पेश कर चुके हैं और आज के कार्यक्रम में हम आपको जिन मेहमानों को मिलाने वाले हैं, मैं उनसे आपको मुखातिब कराऊंगी। मगर मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम के खत्म होने पर मैं आपको आज 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं करके सुनाऊंगी। मैं आपको घोषणाएं करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं आज के मेहमानों से। हमारे बीच में है, खेतरी नगर से हमारे से जुड़ चुकी है पूनम धवाई जी और जयपुर से हमारे बीच में है शिवानी शर्मा। आप दोनों का टीम सिटी लाइव के इस मंच पर स्वागत है। हाँ पूनम जी, आप सभी को बात कर सकती हैं, अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं पूनम धवाई गुजर। मैं अपनी एक छोटी सी कविता, पहले मैं 4 लाइनें आज के जो माहौल पे सुनाना चाहूंगी। हाँ शुरू करूं जी? और उसके बाद शुरू करेंगे। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन मेरा यही है कि मैं लिखती हूँ, किताबों से मुझे प्यार है और सामाजिक जीवन के जो विषमताएं हैं वो मुझे उद्वेलित करती हैं और कलम उठाने पर विवश करती हैं। बहुत खूब। दरअसल यही एक बात है जो हम सभी को आपस में जोड़ी है, नहीं तो हम सब जब अपने अपने घर में बंद थे, हम अपने अपने जीवन जी रहे थे और कलम के इस जिजीविषा ने हम सबको जोड़ा है। और इसी नोट पर मैं शिवानी जी से बात करती हूँ। शिवानी जी आप बताएं। नमस्कार, मैं शिवानी जयपुर से और लगभग 30 सालों से रेडियो से जुड़ी हूँ, एंकरिंग करती हूँ, मंच संचालक हूँ और चौकिया कविता और कहानियां लिखती हूँ। कार्यक्रम में लाने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए तो शुरू होते हैं हम लोग और हम वन बाय वन चलेंगे। तो मैं पूनम जी से गुजारिश करती हूँ कि कोई, जब आप कह रही हैं कि सामाजिक जो सिचुएशंस है वो आपको उद्दीप्त करती है और आप प्रश्नाएं करती हैं, तो आज आप पिछले 2 महीने में आप किस प्रकार की भावनाएं महसूस करी और क्या प्रस्तुत कर रही हैं, आपकी रचना का स्वागत है। जी पहले मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी। जी, पुरसुकून वाली वो हवाएं किधर गई, पुरसुकून वाली वो हवाएं किधर गई, दिल से जो निकलती थी वो दुआएं किधर गई, दिल से जो निकलती थी वो दुआएं किधर गई, फिजा में घुल रही है ये बीमारी कैसी, फिजा में घुल रही है ये बीमारी कैसी, राहत वाली वो दवाएं किधर गई। बहुत खूब, हम सब उस हवा को ढूंढना चाह रहे हैं, कभी तुम्हारी मुट्ठी में आए तो मुझे बताना। जी अगली कविता मेरी जो वर्तमान में कोरोना की वजह से प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए जो भी तकलीफें हो रही हैं और उसमें हमारी जो विवशता है उस पर मैंने कुछ लिखा है। जी, मेरी कविता का शीर्षक है
मेरा घर चले जाना, मेरा घर चले जाना जी। पेट की आग ने घर छुड़ाया था, पेट की आग ने घर छुड़ाया था, दिल की आग अब घर बुला रही है। वाह पेट की आग ने घर छुड़ाया था, दिल की आग अब घर बुला रही है। जलना तब भी मुकद्दर था मेरा, जलना तब भी मुकद्दर था मेरा, तपना अभी किस्मत है। सही, बहुत गुड। मेरी मजबूरी पर सियासत करने वालों, मेरी मजबूरी पर सियासत करने वालों, तुम्हें भारी पड़ेगा मेरा, मेरे घर चले जाना। सही, मेरी मजबूरी पर सियासत करने वालों, तुम्हें भारी पड़ेगा मेरा, मेरे घर चले जाना। जाना यूं तो तपती सड़क पर जलना, चलना और चलना, यूं तो तपती सड़क पर चलना, जलना और चलना मेरा जीवन है। पर इस जलन में थोड़ा सा ही सही, पर इस जलन में थोड़ा सा ही सही, तुम्हारा भी हिस्सा है। बढ़िया, बढ़िया। तुम्हारी ऊंची इमारतों पर लगा है पसीना मेरा, तुम्हारी ऊंची इमारतों पर लगा है लगा है पसीना पसीना मेरा, इधर। पर अब पहुंच कर आस्तीन, पर अब पहुंच कर आस्तीन, मैं अपना घर सजाऊंगा बहुत जी। ये कविता खत्म हुई है, और अगर आप अनुमति दें तो मैं अगली कविता पर आऊं। हमें इस बात पे हम देखते हैं शिवानी जी हमें क्या सुनाना चाहती हैं। ये जो जी दुख है, जी जो दर्द है, हम सबका साझा है, हम सब जने इसको नोटिस कर रहे हैं, और इसी बात पे जी शिवानी जी कुछ सुनाना चाहे तो आपका स्वागत है शिवानी जी। हाँ जी, मेरे पास तो एक छोटा सा मुक्तक है इसी बारे में। संयम की परीक्षा है ये जी धैर्य की घड़ी है, संयम की परीक्षा है ये धैर्य की घड़ी है, भौतिक जरूरतों से जिंदगी बड़ी है। घर में रुकना ही मदद है उन योद्धाओं की, घर में रुकना ही मदद है उन योद्धाओं की, कंधों पर जिनके जिम्मेदारी बड़ी है। इस समय जो हम बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग इस बीमारी से हमारी रक्षा करने के लिए जुटे हुए हैं, सेवाएं देने के लिए जुटे हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो या दूसरे लोग, उनके लिए बहुत बड़ी, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को घर में रखें। तो ये एक मुक्तक के द्वारा मैं अपनी बात कह रही थी। अब एक कविता है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं उसे साझा करना चाहती हूँ। हमारी बेटियों के है ये कविता, हमारी बेटियों को समर्पित है। मैं ये नहीं कहती, मैं ये नहीं कहती, जीवन मिला है तो जीने की कला सी, जीवन मिला है तो जीने की कला सी, जो मन में है वो बताने की कला सी। आकाश है मंजिल तेरी न डर उड़ने से, आकाश है मंजिल तेरी न डर उड़ने से, तू पंख सदा मजबूत रखने की कला सी। नहीं डालूंगी तेरे पैरों में बेड़ियां संस्कार की, नहीं डालूंगी तेरे पैरों में बेड़ियां संस्कार की, पर तू खुद संभल चलने की कला सी। बोलने की पूरी आजादी है तुझे बिटिया, बोलने की पूरी आजादी है तुझे बिटिया, पर जो मान ही ली जाए यूं अपनी बात कहने की कला सी। दिलो दिमाग को बहुत हिला देंगे क्या हौसले तेरे, दिलो दिमाग को हिला देंगे हौसले तेरे, तू हौसलों को सही दिशा देने की कला सी। जान है मेरी जिगर का टुकड़ा है, जान है मेरी जिगर का टुकड़ा है तू, मेरा अभिमान और मेरा मान होने की कला। मैं ये नहीं कहती कि रात को बाहर मत निकल, मैं ये नहीं कहती कि रात को बाहर मत निकल, पर पहले तू सुरक्षित घर लौट आने की कला सी। निशाचर जानवर खुले घूमते हैं यहाँ, निशाचर जानवर खुले घूमते हैं यहाँ, निकलने से पहले कुछ शिकार करने की कला सीख, और मत देख मुंह किसी का अपनी सुरक्षा के, मत देख मुंह किसी का अपनी सुरक्षा के लिए, तू खुद इंसानियत की रक्षक होने की कला सीख। मैं ये नहीं कहती कि रात को बाहर मत निकल, पर पहले तू सुरक्षित घर लौट आने की कला। शुक्रिया। बहुत बहुत क्या बात, आज बेटियों को
ऐसी ही माँ और ऐसी ही माँ की शिक्षा की आवश्यकता है कि उसे सशक्त करे और उसे वह बल दे, वह आत्मविश्वास दे कि वो आज जिस जमाने में बेटियों के साथ हो रहा है वो फिर कभी नहीं हो। बहुत अच्छी कविता आपकी शिवानी जी। और मैं ये देख रही हूँ कि हमारा जो माहौल है उसको थोड़ा सा बदला जाए, तो मैं एक गजल पेश करूंगी। गजल कहना मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैंने ये बहर और इसमें मीटर में जम के या नहीं, तो मैं एक नज्म पेश कर रही हूँ। नज़रें ना एक जमाना है, नजरे गुजरा एक जमाना है, एक हम ही है फुर्सतिये मशरूफ क्या जमाना है, बात, एक हम बढ़िया। ही है फुर्सतिये मशरूफ जमाना है, हमसे जो कोई पूछे कह दे वो नाना है, दुनिया की निगाहों में पागल है दीवाना है, दुनिया की निगाहों में पागल है दीवाना है, एक हम है फुर्सतिये मशरूफ जमाना है, लोगों क्या बात, की जुबां पर जो किस्से ये हमारे हैं, आधी ही हकीकत है बाकी तो फसाना है, हकीकत आधी ही हकीकत है है। बाकी तो फसाना है, एक हम ही है फुर्सतिये मशरूफ फुर्सती मशरूफ जमाना है, जमाने, क्या बात। हालत जो हमारी है कैसे बताएं हम, तन्हाई में आंसू है महफिल में तराना है, तन्हाई में आंसू है महफिल में तराना है, एक हम ही है फुर्सतिये मशरूफ जमाना है। तो जिस प्रकार से आपने मेरा साथ दिया मुझे लग रहा है कि आपको बहुत पसंद आई और कुछ माहौल बदला है, सही है? तो पूनम जी आप अपना कौन सा रूप का पता निकाल रही हैं? मैं भी इस लॉकडाउन में बहुत सोचा कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, तो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी चीजें निकल के आई। बहुत बिल्कुल बड़ी बड़ी नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चाहिए। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है, सोचिए हमें जिंदगी से क्या चाहिए। बिल्कुल, गफलत में गुजरती जिंदगी को एक समझाइश चाहिए। गफलत में गुजरती जिंदगी को सिर्फ एक समझाइश चाहिए, क्या सोचिए हमें जिंदगी से क्या चाहिए। चाहिए, बहुत नफरत में भटकती जिंदगी को, नफरत में भटकती जिंदगी को सिर्फ एक बेसबब मोहब्बत चाहिए। नफरत में भटकती जिंदगी को सिर्फ बेसबब मोहब्बत चाहिए, सिर्फ हमें इतना सा जिंदगी से चाहिए। सोचिए हमें जिंदगी से क्या चाहिए। सारे जहां की इस खूबसूरती को, सारे जहां की इस खूबसूरती को, लॉकडाउन में काफी समय मिला हमें प्रकृति को निहारने का, और जहां मैं हूं वहां तो प्रकृति अपने पूरे यौन पे है। तो सारे जहां की इस खूबसूरती को सिर्फ तेरी एक नजर चाहिए। सिकंदर बन सकता है हर कोई,
सिकंदर बन सकता है हर कोई, सिर्फ जुनूनी आजमाइश चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। सिकंदर बन सकता है हर कोई, सिर्फ जुनूनी आजमाइश चाहिए। सोचिए हमें जिंदगी से क्या चाहिए, खुद बहुत से बढ़िया। खुद को अलग करने को। शुक्रिया। खुद को खुद से अलग करने को, दिल में थोड़ी सी हैवानियत चाहिए जो हमें नहीं करनी चाहिए। बस एक जुमला है, सोचिए हमें जिंदगी से क्या चाहिए। खुदा बस सकता है हर इंसान में, खुदा बस सकता बस है हर सकता इंसान है में, हर इंसान में। बस सकता है हर इंसान बहुत में, कुछ, बहुत सुंदर सा पंक्ति। सिर्फ थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। बढ़िया, सही। सिर्फ थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। इंसानियत चाहिए। हर तरफ सुकून ही सुकून हो, हर तरफ सुकून ही सुकून हो, अब ऐसी कैफियत चाहिए। सोचिए हमें जिंदगी से क्या चाहिए। मोहब्बत हो सकती है सबको, मोहब्बत हो सकती है सबको, खुद में थोड़ी सी रूमानियत चाहिए। बहुत बढ़िया। मोहब्बत हो सकती है सबको, खुद में थोड़ी रूमानियत चाहिए। हर शख्स मुकम्मल हो जाए, हर शख्स मुकम्मल हो जाए, बस मुझको ये खैरियत चाहिए। हर शख्स मुकम्मल हो जाए, बस मुझको ये खैरियत चाहिए। सोचिए हमें जिंदगी से क्या चाहिए। ये रुमानियत हर आपसे हमारे और हमारे श्रोताओं के बीच में फैल रही है, यही हवा है। हाँ, और बिल्कुल। अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शिवानी जयपुर से। शिवानी जी, हाँ जी, अभी ये माहौल ऐसा बन गया है तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा बदलना चाहिए कुछ। वाह। एक प्रेम हमारे पास कई रूपों में आता है, अलग अलग तरह से अनुभूति होती है, उसी को कुछ कहने की कोशिश। प्रेम एक उदास कविता स्वागत है। सजाली तुमने फोटो पर, एक उदास कविता सजाली तुमने फोटो पर, गीत बन के थिरकने। एक डूबता वाह। हुआ दिन, एक डूबता हुआ दिन सजा लिया तुमने सूरज के साफे, एक डूबता हुआ दिन सजा दिया तुमने सूरज के साफे में, और कभी न डूबने देने की जिम्मेदारी। एक बीतता हुआ लम्हा, एक बीतता हुआ लम्हा सजा लिया तुमने कहानी में, थम गया है वो सदियों। एक बीतता हुआ लम्हा सजा लिया तुमने कहानी में, और थम गया है वो सदियों को। एक झुलसी हुई धूप की कणी, एक झुलसी हुई धूप की कणी सजा दी तुमने महासागर के अंतस्थल, भर लिया है ताप भर। एक झुलसी हुई कणी सजा दी तुमने महासागर के अंतस्थल में, और हर लिया ताप भर। एक बूंद थी अंतिम सफर, एक बूंद थी अंतिम सफर में सजा ली तुमने अपनी कथा, एक बूंद की अंतिम सफर में सजा ली तुमने अपनी कथा में, मैं कहा मेरी दास्तां का। फिर से सुनिए। एक बूंद की अंतिम सफर में सजा ली तुमने अपनी प्यास पर, एक बूंद की अंतिम सफर में सजा ली तुमने अपनी प्यास पर, मंजिल पा गई बूंद। मैं कहने बैठी दास्तां, मैं कहने बैठी एक दास्तां सजाली दास्ता तुमने कथा में, अब मैं कहाँ और मेरी दास्ता कहाँ। प्रेम बहुत खूब, इतने अद्भुत अवसर देता है। बहुत सारे, बहुत। वाह, क्या आपने बात। प्रेम को बहुत सुंदर तरीके से समेटा है अपनी कविता में, कथाओं में, समंदर में, बहुत तरीके से। और बहुत सारे प्रतिबिंब आपने इस्तेमाल किए हैं, बहुत सुंदर। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह जो हम स्टूडियो से लाइव आपके सामने हैं, तो यहाँ पे हम रोजाना की जैसे स्टूडियो पे थोड़ी ना बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस, आवाजें आ रही हैं, और यही इसकी खासियत भी है कि
कि हम अपने अपने, शिवानी जी अपने घर में है, पूनम जी खेती नगर में है अपने घर में, और मैं अपने घर में, और हम सब आपके साथ अपने अपने घरों से आभासी स्टूडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी होगी। हाँ, शायद मेरी बारी कविता पढ़ने की। बिल्कुल जैसा कि आप स्वागत। दोनों जानती हैं और आप सभी जानते हैं कि मेरी कविताएं जिस प्रकार की होती है, अतुकांत कविताएं जो कि समाज और इसकी विद्रूपताओं को उठाती है, आज वैसी फिर से एक कविता, शीर्षक है सभ्यता। स्वागत। मैं जब खाना बदोश था, मैं जब खाना बदोश था, कोई जमीन नहीं थी मेरी, कोई देश नहीं था। मैं जब खाना बदोश था, कोई जमीन नहीं थी मेरी, कोई देश नहीं था, प्रजाति थी मानव की, जाति समाज नहीं था। प्रजाति थी मानव की, जाति समाज नहीं था। आंखों में, इशारों में पढ़ते थे मन के भाव। भाषा नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मेरा कोई धर्म नहीं था। अब सीख गया हूं, बात अब सीख गया हूँ, सीख मैं गई। समझ गया हूँ, इतना आगे बढ़ गया हूँ कि मैं बट गया हूँ। जमीन, देश, जाति के लिए, भाषा, संस्कृति, धर्म के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मार रहा हूँ, मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। क्या यह मानव, और ये मानव सभ्यता की आज तक की, हजारों वर्षों तक की समय की चंद पंक्तियों में कहानी है कि मैं मर रहा हूं। चलिए बहुत बदलते बढ़िया हैं, बदलते हैं फिर से इस माहौल जी। को। एक भारी भरकम बिल्कुल सा हवा थोड़ी भारी हुई है, तो पूनम जी इसको हल्का करेंगी आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हल्का करेंगे। जी, तो एक हल्की सी कविता सुनाती हूँ आपको। स्वागत है। बिल्कुल। कविता और मैं, कविता का शीर्षक अच्छा, कविता मैं और शिवानी नहीं। नहीं फिलहाल कविता और मैं ठीक है, चलो हम दोनों ही सही। जब मैं कविता लिखती हूं, एहसास लिखती हूं। जब मैं कविता लिखती हूं, एहसास लिखती हूं, फिर मैं मेरी कविता एक ही बन जाते हैं। फिर मैं और मेरी कविता एक ही बन जाते हैं। उससे अलग मैं नहीं, मुझसे अलग वो नहीं। उससे बहुत अलग सुंदर, मैं नहीं, मुझसे अलग वो बिल्कुल नहीं। एक ही रूह, एक ही आत्मा, एक ही रूह, एक ही आत्मा। क्योंकि आत्मा में से ही कविता निकलती है, तो कविता अपने आप से अलग हो नहीं पाती। एक ही रूह, एक ही आत्मा, बस हुई मैं संपूर्ण, बस हुई मैं संपूर्ण, एकाकार एकात्मा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, छोटी बहुत सी सुंदर कविता कविता पढ़ी जी। आपने। और मैं जहां पे भी शीर्षक कविता पढ़ती हूँ, मैं वहां पे खुद को रख देती हूँ, और मुझे यह कविता बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल थैंक यू पूनम। थैंक यहाँ पे चार लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि जब शब्द गौण हो जाते हैं, मुखर हो जाते हैं भाव, कई जख्म उभर आते हैं, भर जाते हैं कई भाव, वाह क्या भर बात, जाते हैं कई घाव। बहुत कुछ बहुत कुछ। शिवानी, कविता घाव भी भरती क्या है और पूछ रही कविता हो? भाव भी देती है। हाँ, इतार पत्र। तो क्या क्या पेश कर रही है शिवानी? हाँ, मैं एक कविता है जो आपको कुछ सोच में डाल देगी, वो आपको ठीक है, सोचने के लिए प्रेरित करेगी शायद। वो कविता है, साफ स्वागत है, दीवारें। स्वागत। हाँ, साफ दीवारें और बंद रोशनी। कविता का शीर्षक है, साफ दीवारें बंद रोशनी। दीवारें बहुत साफ उस घर, दीवारें बहुत साफ है उस घर की, शायद कोई बच्चा नहीं था। दीवारें बहुत साफ है उस घर की, शायद कोई बच्चा नहीं है वहां। काश तुम देख पाते कि बचपन, काश तुम देख पाते कि बचपन, काश तुम देख पाते कि बचपन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में गुम है वहां। किसी घर, तो कहने की बच्चे होते हैं वो घर की दीवारें गंदी करते हैं, तो
बहुत साफ सुथरा घर होता है तो लगता है कि शायद बच्चे नहीं, बच्चे होने चाहिए। तो दूसरा बिल्कुल है दीवारें उस घर की भी बहुत साफ, दीवारें उस घर की भी बहुत साफ है, शायद कोई बहुत उदास है। काश तुम देख पाते, हाँ काश तुम देख पाते उदास निगाहों में सब बदलने का एक जुनून है। काश तुम देख पाते कि उदास निगाहों में सब बदलने का जुनून है। और हाँ, वाह दीवारें साफ रहती हैं उस घर की, और हाँ दीवारें साफ रहती हैं उस घर की भी, कोई आता जाता नहीं। दीवारें साफ रहती हैं उस घर की भी, कोई आता जाता नहीं जहाँ। काश तुम जाते और महसूस बहुत करते, काश तुम जाते और महसूस करते कि दीवार से टिककर इंतजार बैठा है, दीवार से क्या टिककर इंतजार बात है, बैठा है। इंतजार सही। आपने बहुत समसामयिक रचना पढ़ी थी। आज जो अकेलापन घिर आया है और हम जो नियम कानून और कायदों में और साफ सफाई में जो एंगेज हो जाते हैं, तो बच्चों को वो फुर्सत नहीं देते, वो चांस ही नहीं देते, वो मौका ही नहीं देते कि वो अपनी अभिव्यक्ति दीवारों पर उतार सके, और हमने उनको सीमित कर दिया है गैजेट्स पे और पन्नों तक। खैर, सही मैं अब बात करूंगी चांद के माध्यम से समाज की। ए स्वागत। पूरे चांद बता तो, ए पूरे चांद बता तो, क्या तू अंधेरी में रहता है? मकान बनाने वाले के घर क्यों नहीं होते हैं? ए क्या बात, पूरे चांद बता तो, क्या तू अंधेरी में रहता है? मकान बनाने वालों के घर क्यों नहीं होते हैं? अन्न उगाने वाले भला भूखे क्यों सोते हैं? कपास उगाते हैं जो कपड़ा बुनते हैं, सोचती हूँ क्या वो भी नंगे ही होते हैं? सूरज बेजान ठंडा होता है, सूरज बेजान ठंडा होता है, क्या है? क्या किरणें सारी हम पर ही लुटाता है? बता, बादल प्यासा रहता है? ऐ पूरे चांद बता तू, क्या तू अंधेरे में रहता है? जब चांद सूरज बादल अपने अपना हिस्सा ले पाते हैं, तो ये मजदूर क्यों ऐसे चले जा रहे हैं? यही मेरी कविता का कष्ट था, यही मेरा इस कविता का अंत था। और इसी कविता के साथ मैं कहना चाहूंगी आप दोनों को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप हमारे जी मंथली सिटी लाइफ पे आए, टीम सिटी लाइफ पे आए, और आपने हम तो तीनों एंटरटेन हुए ही, हमारे श्रोताओं भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप दोनों का, धन्यवाद। मैं बिल्कुल इसके साथ ही हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगी, आप अपना संदेश पूनम जी कहो। जी। आपका शब्द संसार के माध्यम से जो सिटी लाइव ने ये मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत पूनम अच्छा जी, कार्यक्रम रहा, शुक्रिया। धन्यवाद। शिवानी बताओ। हाँ बिल्कुल, इस समय जो ये उदासीनता फैली हुई है इसको तोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, और अभी शब्द संसार ने जो ये शुरू किया है बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि अभी घरों में बंद रहने का सिलसिला काफी लंबा चलने वाला है, तो इसको मेरी गुजारिश है कि आप भी इस कार्यक्रम को जारी रखिए। अगर ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे जारी कि रखिए, मेरा भी यही कार्यक्रम कहना। में थैंक यू पूनम, थैंक यू नहीं शिवानी, मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको, और नहीं तो आप रिपीट करिए, लेकिन ये बिल्कुल कार्यक्रम जारी रखिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो श्रोताओं, जी आप देख रहे हैं कि हमारे मेहमान चाह रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, पर जैसे कि कार्यक्रम शुरू हुआ था, मैंने तभी आपसे कहा था, एक कहानी बताई थी कि हमने जो ये कार्यक्रम डिजाइन किया था, सिर्फ 5 दिनों के लिए डिजाइन किया था, और हमारी लिस्ट बढ़ती गई बढ़ती गई, और हमने ये कार्यक्रम आज तक लेके आए हैं, यहाँ तक लेके आ गए हैं। और मैं आप सबको यही घोषणा करने वाली थी कि आज ये हमारी अंतिम प्रस्तुति थी, शब्द संसार के माध्यम से ये हमारी अंतिम प्रस्तुति थी, और हम अगले महीने से, हम हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेते आएंगे। अगले महीने जो 5 जून है, जून को, 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस, और उस दिन हम वापस एक कार्यक्रम के साथ आपके साथ सामने प्रस्तुत होंगे। मगर उसके पहले ये जो दूसरी घोषणा, एक घोषणा तो मैंने की कि कार्यक्रम का ये आखिरी एपिसोड है, दूसरी घोषणा ये है कि पर्यावरण दिवस के लिए आप सभी से कहानियां आमंत्रित की जाती हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में और मारवाड़ी में। आप 300 शब्दों में कोई कहानी भेजिए,
आपको टीम सिटी लाइव ईमेल एड्रेस दे रहा है इस यूट्यूब चैनल में, आप उसमें मेल करें और 15 जून तक, 15 जून आप अगले 15 दिनों में दे दीजिए, हम आपको आखिरी डेट बता देंगे, आप तब तक दीजिए और 5 जून को हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। To sharing your thoughts.